हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 डेट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक छोटा सा टॉपिक डेट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, वैसे यहां पर मैग्नेटिज्म में भी होता है गॉस लॉ, वो अपन यहां पर देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो अभी तो ठीक है, यहां पर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो तो ठीक है, अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने गॉस लॉ क्या पढ़ा था। तो आपने ये पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सर्फेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज के बराबर होगा। वहां पर आपने ये देखा था, ठीक है, कि जितना चार्ज एंक्लोज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स वहां पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यहां पर क्या कहानी है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ध्यान देना। यहां पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। तो ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरी बात को सुनना, आप लोगों ने यह चीज सुनी होगी, मैंने यह कहा था इन द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, जो वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वाला। वहां पर मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो एक क्लोज कर्व होता है, एक क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होता है। ठीक है, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जितना फील्ड लाइन एंटर होगा उतना ही एग्जिट भी होगा, क्योंकि क्लोज है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिजिनेशन ये आप बता नहीं सकते, वो एक क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। मतलब किसी भी क्लोज सर्फेस के थ्रू जितना फील्ड लाइन एंटर होगा उतना ही एग्जिट भी हो जाएगा। और आपको यह तो पता होगा ना कि अगर मान लो हम बात कर रहे हैं एंट्री के वक्त, तो एंट्री के वक्त आपका फ्लक्स होता है नेगेटिव और एग्जिट के वक्त होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो जितना नेगेटिव फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स, तो आपका नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया, है कि नहीं। तो हम यह कहते हैं, यह देखो आप ध्यान से, मैंने कहा कि यह एक आपका क्लोज, यह आपका एक सरफेस है रैंडम शेप का है, इसमें मैंने एक बहुत ही एलिमेंट्री सरफेस ले लिया डेल्टा एस, है कि नहीं। यहां पर मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऐसा है, और ये जो एलिमेंट्री एरिया है इसका नॉर्मल वेक्टर जो है, मतलब एरिया वेक्टर, वो ऐसा है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ने कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। तो इस छोटे से एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो बहुत स्मॉल होगा, डेल्टा फाई ये दिया हुआ है। तो स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इज गिवन बाय बी डॉट डेल्टा एस। ठीक है, वैसे ये एनालॉजी चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फ्लक्स होता था वो होता था E.ds, है ना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लक्स थ्रू अ वेरी स्मॉल सरफेस इज गिवन बाय B.ΔS। अब मुझे अगर पूरे एरिया के थ्रू फ्लक्स चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है इंटीग्रेट करेंगे, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ B.ds मान लिया मैंने, है ना। लेकिन वो जो आपका नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। मतलब मैं ये कहूंगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो होता है, दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इज इट क्लियर, ठीक है कि नहीं है। और इससे ये समझ में आया कि नेट फ्लक्स जीरो का जीरो हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जितना फील्ड लाइन एंटर हुआ होगा उतना ही फील्ड लाइन एग्जिट हुआ होगा, है कि नहीं। मतलब यहां से कंक्लूजन ये भी निकल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कर्व होता है। इज इट क्लियर, ठीक है कि नहीं है। चलो यहां पर हमें यहां से एक और कंक्लूजन मिल रहा है, वो क्या कंक्लूजन है
देखो सुनो ध्यान से, जैसे हम कहते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, है कि नहीं, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, है कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अपन को मालूम है कि अगर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती है बाहर और साउथ में आती है और अंदर भी साउथ टू नॉर्थ रहती है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है मतलब दोनों पोल होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर क्लोज आप बोल रहे हो तो वहां पर दोनों पोल होना जरूरी है, मतलब अगर सिंगल पोल अगर हुआ मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज नहीं होगा, मतलब यहां पर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म से यह मालूम चला कि भैया नेट फ्लक्स जीरो है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कर्व है और क्लोज कर्व होने के लिए दोनों पोल होना जरूरी है, मतलब सिंगल पोल का मैग्नेट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और ये आपको मालूम भी है कि मोनोपोल मतलब सिंगल पोल का मैग्नेट कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, है ना, ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी भी आपका सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस आर ऑलवेज इक्वल टू जीरो, और ये जो फ्लक्स है इसकी यूनिट होती है वेबर, इसकी यूनिट होती है वेबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू बी मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना, इट इज जस्ट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इज इट क्लियर। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, चलें। अब जो मैंने आपसे कहा था ना, ठीक है, उसके वो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, दिस लॉ इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग एनी क्लोज सरफेस आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इट, मतलब जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, लीव कर रहे हैं किसी क्लोज सरफेस को उतना ही एंटर कर रहे हैं, है कि नहीं, तभी तो आपका नेट फ्लक्स जीरो है। ठीक है, यहां से एक और कंक्लूजन जो मैं बता चुका हूं, फ्रॉम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वी कंक्लूड दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सिंगल पोल का मैग्नेट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो बाहर अगर नॉर्थ टू साउथ है तो अंदर होगा साउथ टू नॉर्थ, है कि नहीं, तो दो पोल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें, तो ये था आपका सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, है ना, इसका यूज आगे आने वाले टॉपिक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, चलें, तो बस यहां पर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, है ना, वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, ये देखें आप लोग यहां पर, ये इतने सारे आपके कोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल फ्री आपको यहां पर प्रोवाइड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप दो तीन चैप्टर पढ़ें उसके बाद कोई आपसे कूपन की डिमांड हो या फिर कोई आपको पेमेंट करना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्लेटफॉर्म magnetbrains जो है ना, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल 100% फ्री प्लेटफॉर्म है, और वो भी यहां पर एक क्वालिटी वीडियो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।